नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक और सत्र इस हफ्ते का जहां पर भारतीय बाजार एक पुलबैक ट्रेड दिखा रहे, लेकिन है वैसे सीमित दायरे में। कल की धुलाई के बाद कुछ रिस्पाइट देखने को मिली है। 21372 के आसपास आपको दिखाई देगा निफ्टी, जो इस समय डे हाई के करीब बढ़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 490 पॉइंट का इजाफा। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 284 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। ये फिलहाल अब तक की सिचुएशन है। आज दरअसल लीडरशिप पोजीशन तेजी की तरफ अगर आई है, वो एक तो चुनिंदा बैंक्स ने संभाली है, खासतौर से आपका इंडसइंड बैंक, HDFC भी आप देखेंगे कि 1.5% ऊपर कारोबार, 1.25% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ एक्सिस है जो दबाव के घेरे में है, लेकिन यहाँ पर भी निचले लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी कंपनियों का साथ है और कल जो फार्मा काउंटर्स में तेजी बन रही थी वो आज भी थोड़ी सी बरकरार है। ये है अब तक की चाल। अब ऐसे में हमारे जानकारों की पोजिशनिंग कैसी रहेगी, वो क्या ट्रेड लेंगे, उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। पहले तो कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमारे जानकारों ने इनफैक्ट शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन आप ध्यान दीजिए, रुचित अकेले करीब 1.5% की कमाई कर रहे हैं, -5.5% के रिटर्न्स प्रदीप के, और जतिन गेड़िया -3% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। अब ऐसे में क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए, सब पर बातचीत होगी। पहले तो इस पुलबैक ट्रेड पर कितना भरोसा है, रुचित बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। अर्षदा जी, कल भी हमने वही बात की, जो डेटा है रिसेंटली स्पेशली FIIs का डेटा, वो पिछले हफ्ते से नेगेटिव टर्न हुआ है, कि जहाँ पे उनके इंडेक्स फ्यूचर में नेट शॉर्ट पोजीशंस है और कैश मार्केट में भी वो सेलिंग कर रहे हैं। और जनरली ये कॉम्बिनेशन जो रहता है, कैश में सेलिंग प्लस इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स बनाना, ये हमेशा हमारे मार्केट्स में करेक्टिव फेजेस लेके आता है। आई थिंक करेक्टिव फेज अभी भी आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है, बॉटम बनने के साइंस अब तक नहीं है। हाँ, काफी ओवरसोल्ड था क्योंकि हमने कल बहुत शार्प करेक्शन देखा। जनरली बुल मार्केट में इतने शार्प करेक्शन होते हैं, काफी कम होते हैं। सो आई थिंक ये पुल बैक मूव है, और पुल बैक मूव में अवर्ली चार्ट के 20 EM में देखिए तो वो 21,460 के अराउंड है। सो पॉसिबल है कि 460 तक का पुल बैक मूव एक्सटेंड करेगा, बट रणनीति वही रहेगी कि पुल बैक मूव में लॉन्ग पोजिशन पे थोड़ा लाइटन अप रहना है और मोर थोड़ा डिफेंसिव, जैसे कल मेरे पिक्स में फार्मर्स ज्यादा इंक्लूड थे, सो वैसे ही मैं डिफेंसिव पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। डिफेंसिव स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस रहेगा, ये फिलहाल रुचित की रणनीति। जतिन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? डेफिनेटली जो रणनीति रहेगी वो कल से ज्यादा अलग नहीं रहेगी, सिलेक्टिव रहूंगा। जो भी पुल बैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, और जो वीक स्टॉक्स है उसे सेल करने की कोशिश करूंगा। तो एक मिक्स्ड अप्रोच रहेगा, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके कामकाज करना होगा। स्विक्स पर ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा कॉशियस रहे, पुल बैक आया है लेकिन एग्जूबरेंस ना कर दिखाएं बाजार में। प्रदीप, आपकी अप्रोच? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है वो काफी अच्छे लेवल इसीलिए है कि अगर निफ्टी के आगे चार्ट्स के रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वहां पे आ रहा था, साथ ही बैंक निफ्टी का 200 DMA का सपोर्ट भी टेस्ट हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इनके 34 DMA के सपोर्ट से रिबाउंड हो रहे हैं, तो लेवल काफी अच्छे थे जहाँ से रिबाउंड आ सकता था और आया है। पर ऑन द हायर साइड जैसे कि आपने बताया सस्टेनेबिलिटी को देखेंगे तो उस लिहाज से 21,500 से 21,550 का लेवल है वो निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा आगे चल के, और निफ्टी बैंक के लिए ये रेजिस्टेंस 45,800 के आसपास आएंगे। मीनवाइल स्टॉक्स से जो भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनको बाइंग करने की स्ट्रेटेजी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Okay, तो जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उन काउंटर्स पर आपका फोकस तेजी की तरफ रहेगा। चलिए लेकर आइए सबके पोर्टफोलियो स्टॉक्स। पहले तो आप देखिए प्रदीप का ही पोर्टफोलियो, क्या क्या इन्होंने दरअसल कल जोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली कल मार्केट में इतना अग्रेसिव सेल ऑफ आया, कई सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, कई ट्रेड्स में एग्जिट किया। अभी भी लेकिन गोदरेज कंज्यूमर को होल्ड कर रहे हैं, बाय साइड का ट्रेड था, 1230 इनका टारगेट रहा। नया ट्रेड क्या रहेगा आपका प्रदीप? नया ट्रेड बाइंग की साइड रहेगा इंडस टावर में। इंडस टावर इनफैक्ट एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसने इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 5 January को बनाया उसको आज क्रॉस किया है आगे चार्ट्स पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। 230-231 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे, 217 का स्लोपेस रहेगा और 255 के टारगेट्स रहे। ओके, तो इंडस टावर नंबर्स के बाद हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, तो एक मोमेंटम ट्रेड एक क्लियरली बना है आज, और कुछ चीजें हैं जो कंपनी के फेवर में गई हैं। डेट लेवल्स इनके अच्छे खासे कम हो रहे हैं, 245
तेजी का ट्रेड और 217 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। चलिए अब जतिन का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, और जतिन के पोर्टफोलियो में भी दरअसल कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। जी शिपिंग, फोर्टिस, सेल साइड का ट्रेड था गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड क्या रहेगा जतिन? देखिए, आज हमने देखा है कि फार्मा स्पेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, तो मैं एक फार्मा कंपनी जोड़ना चाहूंगा, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, जो कि स्पार्क के नाम से जाना जाता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें 3 वीक का एक फॉल जो आया था वो मोस्टली कंप्लीट हो गया है। 20 डे का सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, तो मैं 400 रुपये के टारगेट के लिए सन फार्मा एडवांस रिसर्च लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। इसमें स्टॉप लॉस में 360 का लगाने का सजेशन दूंगा। 360 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाकर चले, और टारगेट 400 की तरफ रहेगा। स्पार्क में हम देख रहे हैं अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई आज। कल सनफार्मा ने सिप्ला के नंबर्स देखकर अच्छा तेजी का मोड अपनाया था, आज स्पार्क फॉलो थ्रू दिखा रहा है, करीब 11 रुपये के गेंस, 3% ऊपर है काउंटर, बेग योर पार्डन। रुचित का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और रुचित इकलौते हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न कमाया है। REC सेल साइड का ट्रेड प्रॉफिट बुक किया, बहुत ही बढ़िया गेन वहाँ पर बना। GSPL, FDC, अलेम्बिक फार्मा, ये कल के दूसरे ट्रेड्स थे, दो में प्रॉफिट बुक हुआ है, एक है REC, दूसरा है GSPL, दो में एग्जिट किया। रुचित, आज का नया सौदा क्या है? नया सौदा फार्मा स्पेस में से अल्केम लैब में खरीदारी की सलाह दूंगा। यहाँ पे 4980 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। सो रिसेंट स्ट्रक्चर्स देखे तो जो प्राइस अपमूव आए थे 2-2.5 महीने के कंसिस्टेंट अपमूव इसमें देखे तो उसमें अच्छे वॉल्यूम्स है। पिछले कुछ दिनों से हायर लेवल से थोड़े करेक्शन हुए, बट ये करेक्शन में कोई वॉल्यूम्स हमने हायर वॉल्यूम्स नहीं देते। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहे हो तो अच्छे वॉल्यूम्स है, करेक्शंस में कम वॉल्यूम्स है, तो यूजुअली सपोर्ट्स के आसपास बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक्स में दिखता है ऐसे। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4800 के स्टॉप लॉस और 5300 के नियर टर्म टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। 5300 आपने कहा टारगेट? Yes, 5300 टारगेट्स और 4800 के स्टॉप लॉस में। 5300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये काउंटर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की बन रही है। जतिन, नया ट्रेड इस समय जोड़ने का इरादा है या फिर कुछ टाइम लेंगे? नहीं, मैं नया ट्रेड अभी ही जोड़ना चाहूंगा, वो गुजरात गैस पे होगा। तो गुजरात गैस में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरे को लगता है ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और ऊपर की तरफ आज के पॉजिटिव मोमेंटम में अपसाइड में आई थिंक पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरे को लगता है कि इसमें 552 के एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चलना होगा। इसमें टारगेट मेरे 595 करेंगे, 95 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तेजी वाला ट्रेड गुजरात गैस, इस समय आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर तेजी करने की, 552 स्टॉप लॉस का काम करेगा। रुचित और प्रदीप, आप बताइएगा कि आपका ट्रेड का देने का इरादा है या नहीं। तब तक एक फटाफट से मैं कॉर्पोरेट स्कैन कर लेती हूँ, और एक स्टॉक जिसने बहुत ही धमाल मचाई है लिस्टिंग के बाद ही, वो है इरेडा। स्टॉक एक तरफा तेजी में रहा है, इनफैक्ट इसने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे भी पेश किए, और वहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो थर्ड क्वार्टर में नेट इनकम में 44% का इजाफा, मुनाफा 67% ग्रोथ दिखाने में कारोबार सक्षम कर पाया है। ग्रीन फाइनेंस की कंपनी है ये, ध्यान रहे। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.2% पर आए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, सूर्योदय योजना, जिसमें 1 करोड़ घरों के रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और बिजली की फैसिलिटी उन्हीं सोलर रूफटॉप्स के जरिए लोग एंजॉय कर पाएंगे। ये भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास जुड़ गए। प्रदीप जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आपकी तिमाही नतीजों पर हम आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे। नेट इनकम में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिली है। एक मुझे अंदाजा दे सके कि लोन ग्रोथ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किन लेवल्स पर रही? थैंक यू अर्षदा फॉर यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो आपने बताया कि स्टॉक में काफी, जब से IPO हुआ तब से रहा है, ये शायद रिकॉर्ड हो रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन सर्किट लग रहा है इसमें। जब सर्किट 20% से 10 पे लाए, 10 से 5 पे लाए,
तभी भी लग रहा है। तो ये जैसे सेंटिमेंट इन्वेस्टर का हमारी तरफ और ट्रस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे हमारा लोन बुक जो है 50,000 करोड़ का क्रॉस किया है। सितंबर में जो था 47,000 का आसपास था, सो 3,000 का लगभग इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो आप अगर पूरा ऐतिहासिक ट्रेंड देखेंगे, नॉर्मली जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होता है। ये पूरा ट्रेंड रहा है रिन्यूएबल में, खास करके इरेडा का स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे, 3.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ और 3.5 साल से हमारा यही स्टैटिस्टिक्स बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा आईपीओ के टाइम में जब हम इन्वेस्टर को जो रोड शो में बातें बताए थे उसमें इस क्वार्टर में हम खड़े होके आ पाए हैं। दूसरी बात आपने बताया जो प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट हुआ 1 करोड़ हाउस को करने के लिए, ये भारत सरकार का सोलर का जो टारगेट था रूफटॉप सोलर को 40 गीगावाट को करना था, लगभग 10-11 गीगावाट हो चुका है। ये 30 गीगावाट और जो बैलेंस करना है उसके लिए था। तो इसमें आरईसी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया, क्योंकि आरईसी पहले घर घर बिजली का योजना चला चुका है जी। और वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। उनका पास पैन इंडिया नेटवर्क और ब्रांच ऑफिसेस प्रेजेंस, और उनका लोन बुक अगर देखेंगे 90% लोन गवर्नमेंट लोन है जी। तो सारे स्टेट यूटिलिटीज का, इवन वो रेटिंग भी स्टेट यूटिलिटीज का वो करते हैं। तो उनका पास मैकेनिज्म और मशीनरी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पावर मिनिस्ट्री का अंतर्गत जो 8 पब्लिक सेक्टर को उन्होंने चुने हैं, बाकी मैंने पूरा उनका क्लियर नोटिफिकेशन देखा नहीं हूँ। जो ब्रॉडली कल उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनका जो चेयरमैन का सीएमडी का अनाउंसमेंट था जी, कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लगभग 1.2 लाख करोड़ का आउटले होगा और उसमें सरकार का सब्सिडी रहेगा। मेन मुद्दा यहाँ पे बिजनेस एंगल से ना करके ये 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइज करना, एक देश भर में रिन्यूएबल का प्रति जागृत क्रिएट करना, ये सबसे बड़ी बात है। जब ये होगा हमें 500 गीगावाट आगे बढ़ाने के लिए बड़ा आसान होगा। मैं इसको लेंडर्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, बट ये हर घर रिन्यूएबल का जो टारगेट है वो हमें पूरा होने में कामयाब होगा जी। ये 40 गीगावाट रूफटॉप जब हो जाएगा, सबको जानकारी हो जाएगा, सबको जागृत का आ जाएगा रिन्यूएबल का ऊपर में, जबकि इरेडा 36 साल से कर रहा है जी। हाँ, क्योंकि इरेडा 36 साल से लोग जानते नहीं थे इसके बारे में जी। हाँ, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, ऑफकोर्स आरईसी को जिम्मा दिया गया है, लेकिन क्या कुछ इसका बिजनेस हिस्सा इरेडा के हाथ भी आता हुआ दिखाई देगा? क्या पोटेंशियल है, क्योंकि इतने सालों से आप इसी स्पेस में हैं, तो पोटेंशियल क्या है? ये शायद 1 करोड़ घरों से शुरू होगा और इसे स्केल देने की कोशिश होगी। प्रयास यही रहेगा हर घर रिन्यूएबल, सबका छत में सोलर हो जाए या सबका कचरा से ऊर्जा आ जाए, तो उससे जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो भी पूरा होगा और वातावरण को जो बचाना है, रिन्यूबलाइजेशन करना है, दोनों काम होगा। और जब सबके घर में सोलराइजेशन हो जाए या रिन्यूबलाइजेशन हो जाए, तो उससे इतने बड़े जागृत का पैदा होगा जिससे आज का दिन में 36 साल रिन्यूएबल डेवलपमेंट में काम करते हुए इरेडा को कोई जानते नहीं थे, एक्सेप्ट हमारा जो लेंडर और हमारे बरोवर, उनके अलावा अधिकतर लोग नहीं जानते थे। और हमारा जैसे लिस्टिंग हुआ उसके बाद जब सबको पता चला कि हम सिर्फ रिन्यूएबल में ही काम करते हैं, और एक रिन्यूएबल करना हर सिटीजन का एक दायित्व है, हर इंडिविजुअल का एक दायित्व है, हमें लिविंग क्रिएचर्स को बचाना है, वातावरण को बचाना, तो रिन्यूएबल पे जाना जी। उस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। मैं फिर आपके शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ही समझना चाह रही हूँ दास जी, क्या ये 1 करोड़ घरों को जो रूफटॉप सोलर करना है उसका कुछ बिजनेस आपके हाथ लगेगा या नहीं, या फिर लार्जली आरईसी का ही जिम्मा होगा? उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आरईसी निकाले नहीं है, एमएनआरई और आरईसी, क्योंकि एमएनआरई उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लगाए हैं। और जिससे मैंने बताया, मेन मुद्दा यही था कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगे उनका पास जो बाकी संस्था होंगे, तो पावर मंत्रालय पहले कर चुके इस तरह का काम घर घर बिजली, तो घर घर बिजली से घर घर सोलर करने में आसान होगा, तो उसी मशीनरी को जस्ट एक कॉपी पेस्ट मोड में लेना होगा। तो ये बिजनेस परसेप्टिव जैसे मैंने बताया 1.2 लाख करोड़, पर हमारा रिन्यूएबल में जो बिजनेस अभी होने के लिए और लगभग 310 गीगावाट का एडिशन करना है 500 गीगावाट पहुंचने के लिए, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तो लगभग मान लीजिए अगर 30 गीगावाट होता है तो 10% उसका है, बाकी 90% और भी है बिजनेस करने के लिए। हाँ। तो जहां तक इरेडा का बिजनेस का सवाल है,
हमारा तो अभी आईपीओ के बाद थोड़ा सीआरआर लेवल जो हुआ 23 पे आया, अदरवाइज हम 15 जो थ्रेशोल्ड लिमिट है हम 15-16 तक पहुंच जाते थे जी। हमारा जितना नेटवर्क है हम फुली लिवरेज कर लेते थे जी। तो हमारा बिजनेस एंगल से हमें ये रूपटअप हो या ना हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस हम इसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा है हमारे पास, तो हम इस प्रयास करेंगे। हमारी सी पीएफसी इरेडा हमारे एक ही मंत्री जी है और मंत्रालय अलग अलग है लेकिन बहुत इंटीग्रेटेड मोड में हम काम करते हैं जी हाँ। जैसे होगा हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे। ये रूपटॉप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आरईसी है लेकिन सबका हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 करोड़ को कैसे हम जल्दी कराना है। करेक्ट, जहां भी जैसे जरूरत पड़ेगा चाहे बैंकिंग का सपोर्ट हो या टेक्निकल एक्सपर्टीज का सपोर्ट हो, हर तरह का सपोर्ट हम भी उसमें देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल आरईसी के नंबर जब हम बात कर रहे थे तब उसमें हमने देखा था कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से बढ़ गए थे और उसके चलते कंपनी के बिजनेस पर दबाव आया था। आपके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन क्या है, आगे क्या आउटलुक रहेगा? आप अगर देखेंगे हमारा हल्का सा कम है कॉस्ट ऑफ फंड पहले क्वार्टर से, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे हमारा कम हुआ है। जैसे मैंने पहले भी आईपीओ समय में बताया था, हमारा ट्रेजरी टीम काफी सजाग रहते हैं और हम हमेशा प्रयास करते हैं कम से कम अब जहां से सोर्स हो सके करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आरईसी नहीं कर रहे, आरईसी भी कर रहे हैं, बट मार्केट में कॉस्ट थोड़ा बढ़ा है जी हाँ। हमारा पुराने कुछ बोरोइंग्स थे जो सस्ते फंड में थे, अभी भी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको भी सस्ते में लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे में उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बट थोड़ा बहुत अंतर है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, नीम में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड रिडक्शन हुआ है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा एनपी हमने कम करके रखे हुए हैं जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी जब आईपीओ किए थे लगभग 2 का आसपास था, अब 1.5 का आसपास आ चुके हैं, तो आगे भी और सस्टेन कर पाएंगे। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट और एसेट क्वालिटी में सुधार, ये दोनों आप साथ में सस्टेन कर पाएंगे आगे? हमारा जो एसेट प्रोफाइल देखेंगे लगभग 60% एसेट ऐसा है जो ऑलमोस्ट फुल्ली डी-रिस्क एसेट है। लगभग जो जनरेशन कैटेगरी में हम फंडिंग किए हुए हैं 80% हमारा प्रोजेक्ट कमीशन्ड एसेट है जी। जब रिन्यूएबल में कमीशन एसेट हो जाता है उसमें प्रोविजन कवरेज जरूरत नहीं पड़ता है। okay. इसीलिए आप अगर देखेंगे तो हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो 48 के आसपास है जबकि उनका करीब लगभग 68-70 के आसपास रेंज में होता है जी। तो प्रोविजन का बढ़ना, हम अगर इसमें इंटरेस्ट मार्जिन कम रख रहे हैं जहां कॉम्पिटेटिव मार्केट है, मैनली सोलर सोलर विंड हाइड्रो है, मार्जिन काफी कम रहता है, वहां पे निम कम रहेगा लेकिन वहां प्रोविजन कवरेज रेशियो कम रहेगा जिसके चलते हमारा बॉटम लाइन इंप्रूव रहेगा। और जहां पे जैसे बाकी 30-40% जो एसेट है जिसमें इमर्जिंग और रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है उसमें हमारा नीम काफी अच्छा रहता है और हम उस एसेट को अच्छी तरह प्रोजेक्ट अप्रेजल टाइम से लेके रिव्यू मॉनिटरिंग हमारा बहुत ही रोबस्ट है और हमारा एंटायर मोस्ट ऑफ द बिजनेस फुली ऑलमोस्ट 99.99% डिजिटल मोड में है। Correct. तो हम वो सब चीजों को हमारा काफी देखेंगे, जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी काफी कम है जी। दास जी, मैं आपसे इजाजत लूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, और जैसे आपने कहा ज्यादा बिजनेस तो Q4 में ही आएगा, तो मैं देखूंगी कितना और आपकी लोन बुक में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल 50,000 करोड़ की लोन्स पर कंपनी बैठी है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद ऑफकोर्स खिलाड़ी नंबर 1 का कुछ और अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और इस बीच प्रदीप ने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। प्रदीप, क्या जोड़ रहे हैं? मैं केन्स टेक्नोलॉजीज जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज के सेशन में कंफर्म हो रहा है आरले चार्ट्स पे, डेली आरले चार्ट्स पे, और इसके वॉल्यूम्स जो है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं, तो 2880 के करंट रेट पे केन्स टेक्नोलॉजीज को जोड़ना चाहेंगे। 2724 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3300 के टारगेट्स रहेंगे, और साथ ही इंडस टावर में जो मैंने टारगेट दिया था वो 255 का है, शायद मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं था तो आपने 245 लिखा था ग्राफिक में, तो उसको काइंडली करेक्ट करके 255 कर दीजिए। से अभी 255 टारगेट है आपका और 3300 के टारगेट के लिए केन्स टेक जोड़ा है, 2724 स्टॉप लॉस रहेगा। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो लेकर आइए, प्लीज अपडेट कीजिएगा। 255 आपका टारगेट है इंडस टावर में। जतिन ने गोदरेज प्रॉपर्टी के सेल ट्रेड को कैरी किया है, आज नया जोड़ा स्पार्क, 400 टारगेट, 360 स्टॉप लॉस। गुजरात गैस भी नया जोड़ा,
595 टारगेट है, 552 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, गोदरेज 0.71% के रिटर्न्स दे रहा है, 0.73% के रिटर्न्स स्पार्क, और गुजरात गैस भी 0.36% के रिटर्न्स देता हुआ। रुचित ने सिर्फ एल्केम लैब जोड़ा है, एक जगह खाली है। 5,300 के लिए तेजी की 4,800 स्टॉप लॉस है, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग है स्टॉक में। अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। गुजरात कंज्यूमर कैरी किया, बाय साइड का ट्रेड, 1230 का टारगेट इंटैक्ट है। इंडस टावर 255 टारगेट, 217 स्टॉप लॉस। केन्स टेक 3300 का टारगेट और 2724 स्टॉप लॉस है। गोदरेज कंज्यूमर हल्का सा अपटिक दिखा रहा है, इंडस टावर 2.5% के रिटर्न्स देता हुआ। केन्स अभी अभी जोड़ा है तो उसमें समय लगेगा कुछ रिटर्न बन पाने में। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? रुचित 1.5% की कमाई कर रहे हैं, -1.3% के रिटर्न्स जतिन के, -3.19% के रिटर्न्स प्रदीप के हो चुके हैं। देखते हैं यहाँ से आगे की चाल क्या रहेगी और इनके रिटर्न्स कहाँ पर पहुँचेंगे एट द एंड ऑफ द डे। रुचित के ट्रेड का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस दिन के लिए। आगे लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद ऑफकोर्स अपडेट कमोडिटी मार्केट के एक्शन का और खिलाड़ी नंबर वन में जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी सोशल मीडिया और हमारे चैनल पर हम शेयर करेंगे।